अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत इजी, घर में अच्छा भी बनेगा, साफ भी बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे लहसुन छील के ली हूँ मैं, अदरक छील के ली हूँ, अच्छे से धो के थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अब इसको पीसेंगे हम बिना पानी के, थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा तेल, बस। बहुत इजी है अदरक लहसुन बनाना घर पे ही, अच्छा वाला, मुझे तो बाजार का पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो चलिए मैं अभी चालू करती हूँ। अदरक लहसुन हमारा पेस्ट, ये देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बन चुका है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मार्केट का जो रेडीमेड पैकेट मिलता है, आई जस्ट हेट। मुझे जो भी, मतलब जो भी, मुझे घरेलू चीज़ें ज़्यादा पसंद है हर चीज़। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बन चुका है, बहुत इजी है। आप देखिए ना, थोड़ी सी मेहनत है बट हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, बिना पानी के, बिना कुछ भी मिलावट। अच्छा सा अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो गया। अभी मैं बनाऊंगी खुरमा, हैदराबाद स्पेशल। आज मैं मटन खुरमा बनाऊंगी, वैसा भी अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ। हम लोग घर में बहुत बनाते हैं, एक एक किलो फुल भर भर के बनाते हैं, बट अभी मुझे टाइम नहीं है, जस्ट मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, फिर हम बाद में बना के रखेंगे। सेम ऐसे ही बनाना है। अदरक को अच्छे से साफ धो लीजिए, काटिए, लहसुन को भी छील लीजिए, या तो तेल डाल के अच्छे से मसलिए, लहसुन को धूप में सुखाइए, पूरे छिलटे उकड़ जाएंगे। फिर दोनों अच्छे से धो के आप मिक्सी में डालिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, बस। और ये महीनों महीनों रहेगा, ना कीड़े पड़ेंगे ना कुछ होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत इजी रेसिपी है। ये देखिए 2 मिनट में मेरा अदरक लहसुन बन गया है। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइज़।